बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि इडियम्स जो हैं उनमें आप लोगों के पास तीन ऑप्शन होते हैं, मतलब तीन ऑप्शन मेरी तरफ से हैं। वो ये कि या तो आप ए बी टी वाले जो हैं वो इडियम्स कर लें, मतलब जो अल्फ़ाबेट ए बी और टी से शुरू हो रहे हैं बस वही इडियम्स जो हैं वो कर लें। अगर आप ए बी और टी वाले जो हैं वो नहीं करना चाहते तो ये मैंने आपको बताया था, ये नंबरिंग दी हुई है, यही नंबरिंग जो है आपकी ग्रामर की बुक में है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो या फिर आप ये वाले इडियम जो हैं ये गैस पेपर के तौर पे कर लें। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई इडियम जो है वो भूल जाता है, मतलब सेंटेंस जो है भूल जाता है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है। नंबर एक। नंबर दो, वो स्टूडेंट्स जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, मतलब 0% तैयारी है, वो जो है इडियम्स जो हैं वो कैसे तैयार करें, तो वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वो स्टूडेंट जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है इडियम्स की, ये कुछ इडियम्स मैं बता रहा हूँ, तो आप लोगों ने इनमें से जो आखिरी 5 इडियम्स हैं वो अच्छी तरह कर लेने हैं, बाकी जो है आपकी मर्ज़ी, आप बेशक शुरू वाले कर लें। तो आई डोंट नॉट नो द मीनिंग ऑफ डैश, माई टीचर टोल्ड मी द मीनिंग ऑफ डैश, आई कुड नॉट फाइंड द मीनिंग ऑफ डैश इन डिक्शनरी, प्लीज़ एलोबरेट डैश, कैन यू एक्सप्लेन टू मी द मीनिंग ऑफ डैश। अब यहाँ पे जो डैश लगा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों ने 5 जो आप लोग के इडियम्स जो होंगे जो पेपर में करने होते हैं, आपने डैश की जगह जो है वो 5 जो है वो वर्ड्स लिख देने हैं इडियम्स वाले, तो आपके जो है 5 सेंटेंस बन जाएंगे, आपका इडियम वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैंने डिफरेंट दिए हुए हैं। द टॉपिक ऑफ टुडे इज डिबेट इन द सर्वनी वाज डैश, डू नॉट टॉक टू मी अबाउट डैश, टू फ्रेंड्स वर टॉकिंग अबाउट डैश, टुडे वी डिस्कस अबाउट द डैश इन द क्लास, व्हाट थिंक अबाउट डैश, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट डैश, और उसके बाद जो है इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट अली कुड नॉट टेल दैट डैश इज एन इडियम आर फ्रेज, माई ब्रदर आस्क मी कैन यू मेक द सेंटेंस रिलेटेड ऑन डैश, I learned each topic easily, but dash related topic is difficult to learn. तो ये 14 सेंटेंस हैं, तो अगर आपको idioms तैयार नहीं है तो आप जो है इनमें से 5 सेंटेंस जो है अच्छी तरह तैयार कर लें और डैश की जगह जो है आप वो 5 जाके लिख दीजिएगा। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया हूँ मैं नंबरिंग के लिहाज से, वो अच्छी तरह कर लें। अगर आपको उनमें से कोई भूल जाता है या पेपर उनमें से कोई नहीं आता, तो फिर मजबूरी के तहत आप ये काम करें, खुशी से न करें बल्कि मजबूरी के तहत ये काम करें, मल्टी सेंटेंस जो है इनको मजबूरी के तौर पर जो है आप लोग जो है वो इस्तेमाल करें। तो ये आप लोगों के साथ कुछ मतलब डिस्कशन करनी थी, बाकी मुकम्मल गैस पेपर जो है वो मैंने शेयर किए हुए हैं, तो वो आप लोगों को टैब जो है वो नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से देख लीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो लाजमी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, दूसरों से वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।